राधे राधे मित्रगणों, कैसे हो सब। मैं अपने शहर यानी कि चंडीगढ़ वापस आ चुका हूँ। और पता है मुझे, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा रास्ते में, यानी कि जब मैं महाराष्ट्र जा रहा था तो मैं रास्ते में अपलोड करता रहूँगा, मैंने तुम्हें ये कहा था। पर बहुत सारी दिक्कतें थी जो मुझे बाद में पता लगी प्रैक्टिकली, जैसे कि नेट की प्रॉब्लम आती है और चार्जिंग ढंग से नहीं मिलती है, और जो मेरा फ़ोन है इसमें ना रिकॉर्डिंग जब कर रहा था मैं तो आवाज़ बहुत हवा की आवाज़ें आ रही थी मतलब। तो एटलीस्ट अब मैं घर में आके तुम्हारे लिए अच्छे से एडिट कर सकता हूँ, जितनी आवाज़ क्लीन होएगी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अब मैं रेगुलर ब्लॉग डालूंगा, जो भी मेरे जितने भी एपिसोड बने वहाँ के महाराष्ट्र के, और कौन कौन से ज्योतिर्लिंग हम गए थे, कौन कौन से महाकाल के टेम्पल के हमने दर्शन करे हैं, वो तुम्हें ब्लॉग में पता लग जाएगा। तो बने रहो चैनल के साथ। आज पहला ब्लॉग है जो हम चंडीगढ़ से जाएंगे, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, और वहाँ से हमारी ट्रेन थी पुणे जंक्शन तक। तो इन्जॉय करो ब्लॉग को, रोज ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे। अब ये है भाई चंडीगढ़ रेलवे, ये रेल खड़ी है। इसमें अभी अपना डब्बा देख रहे हैं, जैसे मिल जाएगा सामान वामान रख देंगे या बैठ जाएंगे, सो भी सकते हैं क्योंकि तीन बजे करीब निकलेगी और अभी टाइम कितना हो रहा है। लो भाई अपन चलने शुरू हो गए हैं, तुम्हें दिख रहा है नीचे, तो अपन चलने शुरू हो गए और सच्ची में स्पीड ज़्यादा तेज़ हो गई अब धीरे धीरे, नीचे देख के पता लगेगा तुम्हें। चलो फिर। और इसके बाद जब मैं ट्रेन में बैठ गया तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं ट्रेन की स्पीड पता करूं कि कितनी में, मतलब कितनी स्पीड में वो चल रही है। तो मैंने ऐप डाउनलोड करी जीपीएस वाली, जिससे मेरी स्पीड पता लग सकती है। और तुम्हें दिख रहा है यहाँ साइड में वो आ चुकी है, और तुमने मेरी ऑडियो सुन ली होगी कि कैसी उसमें नॉइस आ रही है। तो मैं जितना हो सके अपनी ऑडियो कम रखूँगा और वॉइस ओवर ज़्यादा रखूँगा ताकि तुम्हें नॉइस ना झेलनी पड़े। तो अब हमारी जो ट्रेन की स्पीड थी वो मैंने जहाँ तक देखी वो 111 ही थी, और उसके बाद तुम्हें दिख रहा है अम्बाला कैंट आ गए थे हम चंडीगढ़ से। और रात का सफ़र था, यानी कि हमारी जो ट्रेन थी वो 3:00 पर निकली थी, 45 मिनट पर। तो रात हो रखी थी तो क्या करता मैं, और मैंने अगर गूगल मैप खोल के देखा अपना तो मैं सिर्फ जंगल में भागता हुआ दिख रहा था। हाँ कुछ सड़कें आ रही थी पर जहाँ पे सिर्फ फाटक होते वहाँ पे, बाकी पूरी जगह सिर्फ जंगल ही जंगल था। और बीच में कुछ कुछ स्टेशन आ रहे थे, और जैसे मैंने तुम्हें बताया हमारी ट्रेन रात को निकली थी इसलिए ना रात हो रखी थी, तो यहाँ वहाँ ज़्यादा ध्यान था नहीं और मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद मैं जितना रिकॉर्ड यहाँ पर कर सकता था मैंने करा। उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मुझे दिखता है एक बहुत प्यारा सा ब्रिज, और नीचे से तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे रिवर होएगी शायद से एक टाइम पे, पर अब यहाँ पे सूख चुका है। हाँ तुम्हें आगे थोड़ा सा पानी देखने को मिलेगा। और जब भी भाई तुम ऐसे ब्रिज में जाते हो तुम्हें पता होगा एक आवाज़ आती है खन खन खन। मैं चंडीगढ़ से हूँ तो भाई चंडीगढ़ से हम शिमला सोलन वगैरह को बहुत ईजीली जा सकते हैं, ये पहाड़ देखने को बहुत मिलते हैं, पर बहुत लॉन्ग टाइम बाद मैंने ऐसा कोई ट्रैवल करा है जिसमें मुझे प्लेन इलाके दिखेंगे, यानी कि मैं क्योंकि नीचे की तरफ को जा रहा हूँ चंडीगढ़ से, यानी कि महाराष्ट्र की तरफ को। और तुम्हें पता है भाई जब ऐसा कोई पुल आता है तो हमारे दिमाग में कुछ इंट्रूसिव से ठोस आते हैं, तो मेरे दिमाग में भी इस पुल को देख के आ रहा था कि ये मजबूत है कि नहीं है। पर भाई बहुत अच्छे नज़ारे थे चंडीगढ़ से महाराष्ट्र तक ना, मुझे ज़्यादातर सब जगह हरियाली ही हरियाली दिखी थी। तुम यहाँ पे खुद देख सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए बोलना बंद करता हूँ, बस वाइब को फील करो। हाँ तो मैंने अभी तक इसकी कलर ग्रेडिंग वगैरह नहीं करी, अगर कलर ग्रेडिंग कर देंगे ये तो कुछ ऐसा लगेगा, पर इसमें ज़्यादा मैं कुछ क्रिएटिविटी दिखाना नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम लगे एडिटिंग करने में, क्योंकि बहुत सारे पार्ट हैं। बस मैं इतना बता देता हूँ यार, कुछ ऐसा लग रहा था कि हम ना ये जो यूनिवर्स है, मतलब जो मदर अर्थ है भाई, उसके बिल्कुल बहुत करीब आ चुका हूँ। कि बहुत टाइम से मेरा गेमिंग चैनल भी है जिसमें मैं काम कर रहा था, और तुम उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तो उसको छोड़ के ऐसे हरियाली को देखना अपने चारों तरफ कुछ अलग ही अनुभव था। और तुम्हें दिख रहा है फिर एक दिन खत्म होने वाला था ट्रेन में, यानी कि ट्रेन ने पूरे 24 घंटे लिए थे हमको पहुँचाने के लिए। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे सनसेट होना शुरू हो गया, और ट्रेन की खिड़की से सनसेट अगर तुमने देखा है, और इस टाइम मैं चाय पी रहा था शायद से ट्रेन में जाता मुझे याद है, पर उसकी मैंने बनाई नहीं है क्योंकि जो जो मेरा दिमाग चल रहा था मैं बना रहा था। हाँ मुझे याद आ गया, ऐसा ऐसे इस टाइम पे बारिश होने लग गई थी, और जो ट्रेन होती है ना उसमें वो लोहे वाला जो शीशा होता है या फिर खिड़की का शीशा नीचे करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना ट्रेन में ना क्योंकि वो स्पीड में चल रही होती तो किसी एक पार्ट में बारिश हो रही होती तो एकदम से ट्रेन में पानी पड़ने लग जाता है, थोड़े से आगे जाते तो बारिश बंद हो जाती है। ये एक्सपीरियंस करा मैंने ट्रेन में,
तो काफी मजा आया उससे भी। और तुम्हें दिख रहा है फिर जब अगला दिन शुरू हुआ उसके बाद जंगल की जगह सब खेतों ने ले ली थी, यानी कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके सब यहाँ पे खेत ही खेत दिख रहे थे। अब तुम दूर तक जहाँ भी दिखोगे तुम्हें सब जगह खेत ही दिखेंगे, और यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे कभी फ्लावर की खेती वगैरह आ रही थी। और फाइनली ऐसी ट्रेन चलती रही, और ट्रेन के बाहर से मैं तुम्हें बस नज़ारे ही दिखा सकता हूँ। तो चलते चलते हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे, महाकाल के पास नहीं पर चंडीगढ़ से पुणे जंक्शन पे हम पहुंच चुके थे। वैसे मैं पहले भी महाराष्ट्र में आ रखा हूँ पर आज मैं दूसरी बार ही आया था, तो बहुत टाइम बाद आया मैं यहाँ पे। और महाराष्ट्र की यार एक और खास बात क्या है, वहाँ पे तुम जहाँ भी देखोगे तुम्हें हर थोड़ी दूर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियाँ मिल जाएंगी, स्टैचू वगैरह बहुत ज़्यादा दिखे मुझे वहाँ पे वो। और तुम्हें दिख रहा है फिर हम स्टेशन से बाहर आ गए थे और यहाँ लिखा हुआ है पुणे आउट, यानी कि ये बाहर जाने वाला गेट है। इसके बाद हमने क्या करना है अगर तुम भी जाना चाहते हो ऐसी, पुणे के बाद हमने यहाँ पकड़ी फिर शिवाजी बस स्टैंड के लिए ऑटो या बस कुछ भी जो तुम पकड़ सकते हो। उसके बाद शिवाजी बस स्टैंड में जाके तुमने बस पकड़नी है और वो बस तुम्हें लेके जाएगी फिर तुम्हारे भीमा शंकर, यानी कि हमारा जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो होने वाला है भीमा शंकर यानी कि महाकाल का। और वो भी अलग ही इलाके में है, मतलब गाँव टाइप है, वो गाँव ही बोल सकते हो तुम, समझ लो जो महाराष्ट्र वाले हैं वो उनका गाँव हो गया, जैसे हम चंडीगढ़ में रहते तो हमारा गाँव उत्तराखंड में हो गया, तो वैसे जो महाराष्ट्र के होंगे वहाँ पे वो गांव इलाका था, तो शायद से वो लोगों का गांव होगा वहाँ पे। और फिर जब थोड़े आगे गए फिर थोड़े थोड़े पहाड़ आने शुरू हो गए, जब हम ट्रेन में थे तब भी पहाड़ आ रहे थे पर तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कैसे, मतलब बड़े वाले पहाड़ नहीं है जैसे नॉर्थ में होते हैं, पर यहाँ पे जो पहाड़ है वो अलग ही मतलब रोमांच लेके, मतलब ऐसा लगता है वो पूरे के पूरे पहाड़ तुम्हें बुला रहे हैं, मतलब नेचर से मुझे अलग से प्यार आता है पता नहीं क्यों। तो तुम्हें दिख रहा है भाई यहाँ पे सारे, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था और ये बस की विंडो से कर रहा था मैं सब कुछ। और फिर हम थोड़े से और आगे बढ़े तो फिर गीले वाले पहाड़, मतलब वो होते हैं ना भाई यहाँ से जिस पहाड़ में से पानी निकलता रहता है, तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे बारिश हुएगी या फिर ये पहाड़ में से रेगुलर पानी ही बरसता रहता है, पर काफ़ी अच्छा नज़ारा था। और मैंने तुम्हें बता दिया है पुणे जंक्शन के बाद हमने बस पकड़ी थी शिवाजी बस स्टैंड से, और अब हम जा रहे हैं कहाँ, भीमा शंकर यानी कि महाकाल का जो पहला ज्योतिर्लिंग है जिसमें हम विजिट करने वाले हैं इस पूरे व्लॉग के दौरान। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे घर कैसे है, मैंने अभी भी ध्यान दिया वो घर की छत तुम देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ मतलब बहुत शांति थी और मैंने ऐसे हाफ बाजू पहनी थी, पर ठंड भी थी पर ठंडा माहौल था, मतलब तुम समझ रहे हो एक ठंड होती है तुम्हें स्वेटर वगैरह पहननी पड़ती है, वहाँ पर तुम्हें अलग ही सुकून वाली ठंड मिलेगी। तो काफ़ी मज़ा आया भाई इस एक्सपीरियंस में भी। और हम जितना जितना आगे बढ़ी जा रहे थे ना यही ज़्यादातर तुम्हें दिख रहा है, अभी तक तुमने जितने भी क्लिप्स देखी होंगी सब में कहीं पे भी तुम्हें सूरज नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र में ज़्यादातर अभी मॉनसून का मौसम चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे तुम्हें सूरज की किरणें बहुत कम देखने को मिलेगी, पर ज़्यादातर तुम्हें दिखेगा यहाँ पे बारिश ही होगी, जैसे तुम्हें मैंने कहा था ट्रेन में ही बारिश होगी थी पर वो तो चलो एक जगह की थी, पर यहाँ पे जितना भी हमने ट्रैवल करा भीमाशंकर के यहाँ पे मौसम हमेशा ऐसी रहा बादल बादल एकदम, जैसे कि बस बरसने ही वाले हों। और ये एक वीडियो थोड़ी मैंने पोर्ट्रेट में बना दी, तुम्हें दिख रहा है हम जितना आगे बढ़ रहे थे ना भीमा शंकर की तरफ को, तो यहाँ पे अब ओस पड़नी भी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया भाई सर्दी वाली ठंड नहीं है पर माहौल ठंडा है, तो तुम्हें दिख रहा है हम जितना आगे गए यहाँ पे ना धुंध पड़नी शुरू हो गई थी, तुम्हें यहाँ से बस थोड़ी सी दूर तक का नहीं दिखेगा देख लो, इतनी धुंध हो रही थी वहाँ पे। और फाइनली जो बस थी उसने हमें थोड़ा टाइम लिया, यानी कि तुम लगा सकते हो करीब हमारे 2 घंटे तक अप्रोक्स लगे होंगे, तो हम उसके बाद भीमा शंकर पहुँच गए। तुम्हें दिख रहा है यहाँ क्या ठंडी है, मतलब धुंध हो रखी है। और ये जो तुम्हें सामने दिख रहा है ये एक गेट था, बस स्टैंड का गेट बोल लो इसे या फिर भीमा शंकर के वहाँ को जाने का गेट बोल लो, पर यहाँ पे कुछ इन्होंने लगाया नहीं है लिखा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी मार्केट है और ऐसे थोड़ा सा पैदल हमको जाना पड़ता है क्योंकि बस उससे आगे जा नहीं सकती है। थोड़ा जब हम आगे जाएंगे उसके बाद तुम्हें टेम्पल का भी मैं थोड़ा बहुत नज़ारे दिखा दूंगा, बाकी जो दर्शन है वो हम व्लॉग के पार्ट 2 में करेंगे कि उसमें क्या क्या था आगे। और उसके बाद तुम्हें दिख रहा है जब थोड़ा आगे चले ये देखो तुम्हें ऊपर शेड बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश बुरिश बरस जाती है। और ये जो रास्ता है ना ये वही महाकाल के टेंपल की तरफ को जाता है, और ये तुम्हें सारी ये पौड़ियाँ दिख रही है ना, ये टोटल टोटल भाई पूरी की पूरी 700-800 पौड़ियाँ हैं मेरे ख्याल, 700 या 750 हैं। और तुम देख रहे हो यहाँ पे तुम्हें ठीक ठाक भीड़ है यहाँ पे, मतलब काफ़ी लोग दर्शन करने आ रखे थे यहाँ पे। बाकी कल हम सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, मेरे ख्याल से हम 3 या 4 बजे हमको लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगती है। और एक खास चीज़ तुम्हें बता देता हूँ मैं, कल है सोमवार और कल अमावस्या भी है, पर अमावस्या के दिन महादेव की पूजा करना बहुत लकी होता है, तो मैं और जो मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें उस दिन मैं मतलब तुम्हें मैं तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर लूँगा, पर हो सकता है अपलोड थोड़ा लेट वेट हो जाए क्योंकि यहाँ पर नेट की भी दिक्कत आ रही है थोड़ी, और जब टाइम मिलता तभी कर पाऊँगा ना मैं अपलोड वगैरह। तो तुम बहुत लकी हो और मैं भी बहुत लकी हूँ कि हमको सोमवार के दिन और अमावस्या के दिन महादेव के दर्शन हो जाएंगे, ये सबसे मस्त बात है। तो इस व्लॉग को यहीं पे रखते हैं, और मेरी बैंड बज चुकी है, फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, और अब निकलता हूँ भाई मैं यहाँ से, और रात खाना खाने निकलेंगे, अगर वो पार्टी मैं इसी में डाल दूंगा देखता हूँ।
तो टिल देन स्प्रेड लव, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू ऑल।